नमस्कार, मैं आशीष कुमार सिंह, शिवशैली कंप्यूटर एजुकेशन अर्थात SSCE चैनल का स्वागत है। CPCT की वीडियो सीरीज में आज हम लोग 22 फरवरी 2020 के शिफ्ट 2 का पेपर देख रहे हैं। ये वीडियो का पहला भाग है जिसमें हम क्वेश्चन 126 तक देखेंगे। यदि आपने ये पेपर दिया हो तो आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर एक, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट डैश डैश से प्रदर्शित होते हैं। तो डेस्कटॉप पे ये पहली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। इसमें देखें जो विभिन्न एप्लीकेशन और जो आपके हैं और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, इसे डॉक्यूमेंट है तो ये सब जो दिख रहे हैं डब्बे में आइकॉन्स हम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है? आइकॉन्स है। सिंबल अल्फाबेट गामा होते हैं जो आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं। लेबल जो भी लिखते हैं, हम प्रोडक्ट में लेबल लगा होता है, कहीं भी लिखा है उसको हम लेबल कहते हैं। ग्राफ तो हम बनाते हैं टूल के द्वारा, वर्ड एक्सेल में होते हैं कमांड ग्राफ बनाने के लिए। इसका आंसर आइकॉन्स है। क्वेश्चन नंबर टू है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हमारा MS वर्ड है, एक लोकप्रिय जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो जो फाइलें बनती हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से, हम डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। अगर वर्ड की बात करें तो यहाँ पे .doc एक्सटेंशन नेम ही होता है। .docx हो गया है अब ये 2007 के बाद, पहले DOC था। बाकी बात करें डाटाबेस फाइलें एक्सेल से बनती हैं, स्टोरेज फाइलें से होती और वर्कशीट फाइल एक्सेल बनती है हमारी। क्वेश्चन नंबर तीन, डेटा संग्रहित करने के लिए निम्न में से कौन से घटक उपयोग किए जाते हैं। तो डेटा स्टोर हमारा मेमोरी में होता है, इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देते हैं, आउटपुट डिवाइस में हमें आउटपुट मिलता है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम प्रिंट आउट प्राप्त करते हैं। स्टोरेज का मेमोरी होता है और बेसिकली स्टोर हम सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प माउस द्वारा नियंत्रित होता है और इसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार बदलता रहता है। तो ये जो विकल्प देख रहे हैं, हेल्प आइकन, पॉइंटर, मीम, इसमें पॉइंटर जो विकल्प है ये माउस से कंट्रोल होता है। अभी जो देखिए मेरा जो माउस चला रहा हूँ, जो चल रहा है, इसको पॉइंटर ही बोलते हैं। और फंक्शन के आधार पर आकार बदलता रहता है। जैसे अगर देखिए हम वर्ड में आ जाएं, वर्ड में खोलेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आपका तीर है, जैसे आप नीचे आपका आई बन जाएगा माउस। ये देखिए मैं ऊपर हूँ, तीर है, नीचे आई बन गया। अगर आप एक्सेल में रहेंगे, ऊपर देखिए तीर ही है, और जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो ये आपका ये ऐसा धन जैसा बन, सफ़ेद धन जैसा बन जाएगा। यानी वर्तमान फंक्शन के आधार पर इसका आकार बदलता रहता है। आप किस भाग में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका आकार के चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर पाँच है, एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का पार्ट था। फ्लॉपी डिस्क के पहली यूज होती थी, पेन ड्राइव आने के बाद मार्केट से बाहर हो चुकी है। दो साइज की आती थी, 5.14 की और 3.5, मतलब सवा पाँच साढ़े तीन की आती थी। साढ़े तीन की कैपेसिटी ज़्यादा थी, कितनी थी? 1.44 MB कैपेसिटी थी। क्वेश्चन नंबर छः है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। ये कई बार लोग धोखा खा जाते हैं, नहीं वाला नहीं पढ़ते हैं। लेजर तो बहुत लोकप्रिय प्रिंटर है, इंकजेट भी प्रिंटर है, इम्पैक्ट एक कैटेगरी प्रिंटर की है, डॉट मैट्रिक्स आते हैं, जेट लॉक किसी प्रिंटर के कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर सात है अगला, टेक्स्ट में आपकी स्थिति दिखाने वाला टिमटिमाटा बिंदु क्या कहलाता है। टेक्स्ट में आप कहीं भी लिख रहे हैं तो आप कहाँ पे लिख रहे हैं वो स्थिति कैसे कर्सर से दिखती है। जैसे वर्ड में आप हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है तो मेरा कर्सर टिमटिमा रहा है ना, मैं जो भी लिखूंगा यही टाइप होगा। देखिए मैं जो टाइप कर रहा हूँ कहाँ टाइप होगा, जहाँ मेरा कर्सर है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? अपना कर्सर है। क्वेश्चन नंबर आठ है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके द्वारा हम कोई विशेष कार्य कर पाते हैं। इन्हें डेली के काम जो हम करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही होते हैं और ये बिना हमारे चलाए नहीं चलते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या आता है आपका, कई आते हैं, लोडर लिंकर भी आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो है हमारा क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन नंबर नौ है, एक माइक्रो कंप्यूटर प्रणाली में CPU या प्रोसेसर
को एक चिप पर समाहित किया जाता है जिसे डैश डैश कहा जाता है। तो सीपीयू का जो पूरा काम चिप से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं। जो भी काम बेसिकली सीपीयू करता है वास्तव में सारा काम माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। स्लॉट आपका मदरबोर्ड में होते हैं, जैसे रैम के लगाने का स्लॉट होता है। पोर्ट है जो सीपीयू के बाहर जगह निकली हो जहां आप कोई डिवाइस लगा सकते हैं, प्रिंटर स्कैनर वगैरह, वो पोर्ट कहलाते हैं। इसमें यूएसबी पोर्ट सबसे पॉपुलर पोर्ट चल रहे हैं। और मदरबोर्ड एक प्लेट लगी होती है सीपीयू के अंदर, लाल या हरे रंग की होती है, जिसमें सारे पार्ट्स कंप्यूटर के जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से क्या प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपयोग हो सकता है, मतलब प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो कार्टेज टेप, पी टेप तो सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क भी सेकेंडरी है, जो रैम है हमारा प्राइमरी है। प्राइमरी में दो होते हैं, रैम है और रोम होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर इसका रैम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का डैश डैश, डॉट मैट्रिक्स क्या है। तो क्या है, हमारे प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और आवाज करता है। फिर भी अभी भी इसका यूज बैंकों वगैरह में देखें आप होता है, जहां पे कागज जुड़े हुए हमको प्रिंट आउट चाहिए तो वहां डॉट मैट्रिक्स अभी भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश डैश डिस्प्ले विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। हमारा क्या होता है, इमिसिव जो होता है, बेसिकली एनर्जी जो कन्वर्जन वाली डिवाइस को हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, RHEL7 ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न फाइल प्रणालियों में से किसका उपयोग करता है। तो फाइल सिस्टम बहुत सारे होते हैं, NTFS विंडोज NT में होता है, FAT32, FAT64, FAT16, FAT32 विंडोज चलते हैं। XFS जो है यूज करता ही है। जब भी आपको ऐसा लगे तो ऐसा नाम लीजिए, OS ऐसा है जो हमने सुना नहीं है, तो हम भी ऐसा विकल्प चुने जो हमने नहीं सुना हो। बूट तो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर चालू होने की प्रक्रिया बूट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14, MS Excel 2007 में कौन सा फंक्शन एक निर्दिष्ट बीटा वितरण फंक्शन के लिए संचयी वितरण का व्युत्क्रम देता है। इतने फंक्शन तो याद होना खैर कठिन कार्य है, तो इसमें कुछ तो आप हिसाब से लगा लीजिए इसको, बीटा एन भी यहाँ पे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ओपन ऑफिस कैल्क, एकाक प्रश्न ऑफिस कैल्क का लगभग हर पेपर में आ रहा है, तो इसके लिए आप परेशान मत हो, आप इसको अंदाज से भी लगा सकते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन परसेंटाइल का क्या आउटपुट होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 9 है। ज्यादातर प्रश्न आपके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और फंडामेंटल से ही आते हैं, इसमें एकाक प्रश्न आप कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश डैश में फाइल का नाम और संभवतः है फोल्डर की एक डायरेक्टरी होती है। तो फाइलें और फोल्डर किसके अंदर आते हैं, फाइल डायरेक्टरी में आते हैं। ये फाइल डायरेक्टरी में क्या क्या होता है, फाइल का नाम होता है, फोल्डर की डायरेक्टरी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैन का विस्तारित रूप क्या है। तो तीन तरह के नेटवर्क को ज्यादा फेमस है, लैन, मैन और वैन। तो लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टैंड अलोन सिस्टम एक बार में एक पेज प्रिंट करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसमें क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर बोलते हैं, कि क्या कर रहा है वो, एक पेज प्रिंट कर रहा है एक बार में। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि आपको अपने किसी मित्र से आमने सामने बात करनी हो और वह बहुत दूर हो तो आप क्या करेंगे। तो इंटरनेट से हम बातचीत कर रहे हैं और हम चाहते हैं फोटो दिखाई दे, इसके लिए क्या वेबकैम लगता है। वेबकैम लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, आप कंप्यूटर में ऊपर लगा लेते हैं वेबकैम, जिससे आप अपनी शक्ल अपने दोस्त को दिखा सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। वाईफाई तो लोकल छोटी जगह में आप नेट चलाने के लिए होता है। राउटर नेटवर्क को नेटवर्क जोड़ने के लिए यूज होता है, जिस भी ड्राइव की मेमोरी डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइल संपीड़न संभव है जब मूल डेटा सेट में कुछ प्रकार का डैश डैश होता है। तो अतिरेकता कठिन वर्ड है, इंग्लिश देख लें, रिडंडेंसी, अगर उसमें कोई डुप्लीकेसी रिडंडेंसी है तो ही हम कंप्रेशन कर पाते हैं। कंप्रेशन में यही प्रक्रिया होती है कि जो रिडंडेंसी है उसको हटा लिया जाता है, मार्किंग कर लिया जाए कहाँ का रिडंडेंसी है, तो उसे कंप्रेशन हो जाता है।
बाकी डेटा नहीं है तब पूरा डेटा नहीं हटाएगा, वो डेटा हटा देगा। तो संपीड़न तभी संभव है जब क्या है, जो डेटा सेट है उसमें कुछ ना कुछ रिडंडेंसी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश डैश कुंजी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एकल कुंजी का उपयोग करते हैं। तो एकल कुंजी का प्रयोग जो होता है उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं, जहाँ पे एक ही कुंजी प्रयोग होती है। दो कुंजी जनरली, दो कुंजी लिखते हैं प्राइवेट और पब्लिक, वो एसिमेट्रिक होता है, क्योंकि आप इनक्रिप्शन करते हैं पब्लिक से, प्राइवेट से किया तो डिक्रिप्शन पब्लिक से होगा। और सिमेट्रिक में क्या है, एक ही कुंजी लगती है इनक्रिप्शन के लिए भी डिक्रिप्शन के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो टोपोलॉजी कंप्यूटरों को जोड़ने का तरीका है नेटवर्क में, कि हमने कंप्यूटरों को कैसा लेआउट में जोड़ा है। स्टार टोपोलॉजी तो पता ही आप लोगों को, सेंटर में रहता है एक और बाकी सारे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं, स्टार होती है। बस में क्या होता है, हमारा एक सीधा केबल होता है, बाकी उसके दोनों साइड हमारे कंप्यूटर जुड़ जाते हैं। और रिंग में क्या होता है, गोलाकार में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ऐसे एक रिंग बनी होती है कंप्यूटरों की, ऐसे हमारे कंप्यूटर के जुड़े होते हैं ये रिंग। सर्कल नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल ड्राइंग को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर VSDX है। फाइल फॉर्मेट भी आप जितना अधिकतम हो सके याद रख सकें, सारे संभव नहीं होते याद रखने, जितना अधिकतम याद रखें, यहाँ पे उत्तर VSDX है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेलवेयर को डैश डैश भी कहा जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर भी बोलते हैं। ये जस्ट लाइक वायरस जैसे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे सिस्टम को क्षति पहुंचाते हैं। प्रोग्राम तो इंस्ट्रक्शन समूह हो गया जो हमारा एक पर्टिकुलर काम करते हैं। मेल तो आप जानते ही हैं कि संदेश भेजना, और कमांड है कंप्यूटर को आदेश देते काम करने के लिए। मेलवेयर क्या है, स्पाईवेयर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डैश डैश तकनीकी संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला वित्तीय इनाम है, जो किसी व्यक्ति को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटिंग सेवाओं में बग की खोज कर उसकी जानकारी देने के लिए दिया जाता है। बग का मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, एरर वगैरह से है, जो डिफॉल्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर में। तो कई तकनीकी संगठन ने एक संगठन बना रखा है, वित्तीय इनाम बना रखा है, कि जो भी व्यक्ति सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग से हम बग की खोज करेगा तो उसे जो इनाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बग बाउंटी बोलते हैं, बग बाउंटी। क्वेश्चन नंबर 26 इस भाग का अंतिम प्रश्न है, बाकी इसके बाद के प्रश्न हम दूसरे भाग में देखेंगे। माइक्रो नियंत्रक को अन्य प्रोग्रामों को लोड और निष्पादित करने के लिए पावर शुरू करने के तुरंत बाद डैश डैश सक्रिय हो जाता है। तो जैसे ही हमने कंप्यूटर चालू किया तो कंप्यूटर को चालू कराने के लिए जो बूटिंग प्रक्रिया हमारी होनी है, जैसे आपने अपने सिस्टम चालू किया तो बूटिंग प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए हमें, यानी कहा जाए कि जो लोडर है वो चाहिए होता है रैम में कुछ भी लोड करने के लिए। तो पहले लोडर ही आता है इसमें, और कौन सा लोडर आता है, बूट स्टेप लोडर आता है, जो क्या करता है, जरूरी फाइलें बूटिंग में जो भी फाइलें जरूरी हैं, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें होती हैं, उन फाइलों को रैम में लोड करता है। ये तुरंत सक्रिय होता है जिससे हम पावर शुरू करते हैं। इस तरह पहला भाग खत्म होता है। दूसरे भाग में हम क्वेश्चन 27 से 52 देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कौन से प्रश्न में आप ज़्यादा व्याख्या चाहते हैं, तो उसको अपन और डिस्कस कर सकते हैं। अभी इतना ही, धन्यवाद।